आज हम बताएंगे मछली सांस कैसे लेती है, परंतु इससे पहले आप लोगों को जानना है कि मनुष्य जो है सांस कैसे लेते हैं। तो मनुष्य जो है फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है। मनुष्य फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। फेफड़ा ऑक्सीजन को जो है खून में मिला देती है। फेफड़ा ऑक्सीजन को खून में मिला देती है, तब खून पूरे शरीर में हृदय के द्वारा पहुंचाया जाता है। परंतु मछली जो है पानी के अंदर रहती है, तब पर भी वह सांस लेती है। मनुष्य संभव नहीं हो सकता है। मनुष्य को थोड़ा देर पानी के अंदर रख दिया जाए तो वह मर सकता है, परंतु मछली हमेशा जल के भीतर रहती है, तब पर भी वह जीवित रहती है, सांस लेती हो लेती है। वह क्यों होता है, कैसे होता है? उसमें जिस तरह से जो है हमारे शरीर में सांस लेने के लिए फेफड़ा पाए जाते हैं, उसी तरीके से मछली में सांस लेने के लिए जो है गिल्स पाए जाते हैं, जो गिल्स जो है उसके सिर के पीछे होता है। मछली में गिल्स जो है सिर के पीछे होता है, और गिल्स जो है झिल्लीदार होते हैं। गिल्स झिल्लीदार होते हैं और वो स्पंज होते हैं, जो आप लोगों ने मछली में देखा भी होगा, जो वह लाल रंग के जो है फुटने की तरह होते हैं, फूल की तरह होते हैं। गिल्स ऊपर के कवर को जो है गिल्स के ऊपर के कवर को उठा करके देखोगे, वो अंदर जो है पूरे लाल रंग के जो है फूल की तरह रहता है, उसको गिल्स कहा जाता है। तो मछली जो है उसी की मदद से सांस लेता है, गिल्स की सहायता से। परंतु जो है वह पानी में उसको ऑक्सीजन मिलता है कहां से, कैसे पानी में उसको ऑक्सीजन मिलता है मछली को? तो पानी का सबसे पहले हमें अनुसूत्र जानना होगा। तो पानी का अनुसूत्र जो है H2O होता है। पानी का अनुसूत्र H2O, यानी पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो मछली जो है गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन को जो है बाहर निकालती है। मछली गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन को बाहर निकालती है, तब उसे जो है पानी से निकला ऑक्सीजन को, मछली पानी से निकले ऑक्सीजन को गिल्स की सहायता से पूरे शरीर में खून की मदद से पहुंचाया जाता है, तब उसको शोषण होता है। परंतु वह जो है डायरेक्ट जो है पानी से ऑक्सीजन को बाहर नहीं कर सकती है मछली। पानी से ऑक्सीजन को बाहर नहीं कर सकती है मछली, क्योंकि उसको ऐसा करने में बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जो उसके पास नहीं होते हैं। तो मछली जो है गिल्स की सहायता से शोषण करती है, जो पानी में जो ऑक्सीजन है उसी को जो है तोड़ करके उसको ऑक्सीजन में परिवर्तन करते हैं। परंतु जो बड़े मछली है, व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली, वो सांस कैसे लेती है? क्योंकि उसके पास जो है गिल्स नहीं होते हैं। व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली के पास गिल्स नहीं होती है, तब पर भी वो सांस लेती, वो कैसे लेती है? तो व्हेल और डॉल्फिन मछली जो है सांस लेने के लिए जल से ऊपर आती है। व्हेल और डॉल्फिन मछली सांस लेने के लिए जल से ऊपर आती है। जो हमने भी डॉल्फिन मछली को देखे हुए है, जो थोड़ा थोड़ा देर पर जो है जल से बाहर जो है ऊपर छलांग लगाते हैं, वह सांस लेकर के फिर जल के भीतर चले जाते हैं। उसी तरीके से व्हेल मछली भी जो है थोड़ी देर के बाद ऊपर आते हैं, वह सांस लेकर के फिर जल के भीतर चली जाती है। जब फिर उसका सांस की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, तब फिर वह ऊपर आती है पानी के। उस तरीके से जो है व्हेल और डॉल्फिन मछली सांस लेते हैं। परंतु छोटी मछली जो है मतलब अंडे देती है, और अंडे से उसको बच्चे को जन्म होता है, परंतु व्हेल और डॉल्फिन मछली में ऐसा नहीं होता है। व्हेल और डॉल्फिन मछली डायरेक्ट जो है वह बच्चे को जन्म देती है। व्हेल और डॉल्फिन मछली डायरेक्ट वह बच्चे को जन्म देती है। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि डॉल्फिन मछली कहां पाए जाते हैं, डॉल्फिन मछली कहां पाए जाते हैं? तो डॉल्फिन मछली जो है गंगा नदी में पाए जाते हैं, और व्हेल मछली जो है महासागर में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो फिर हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो आप लोगों का, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिए।